हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शाविनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शाविनी निरंजने। शाविनी निरंजने गुड मॉर्निंग। यश काले। यश काले गुड मॉर्निंग सर। यश काले यस्टरडे आई टोल्ड फॉर यू दैट इन टीचमेंट ऐप योर नेम स्पेलिंग इज स्टार्टिंग विद दिस स्मॉल वाई। सो आफ्टर दिस क्लास go into the profile section and change the name. Okay? So Yash Kale, yes, sir. Why should be capital? Okay, sir. Is it clear? Okay. Who is this Samiksha Ji? Samiksha Ghantawa, same is your case. Your name is coming with a small s. Okay. Your yes, name sir. Is coming Change with a small it. S. So after the class, yes. it should change to capital S. Okay. Do it today itself. Rest yes. of the students who are present. Okay. Good. Anna. So let us continue. The discussion where we have left in yesterday's session. Just a minute. Yes. So, is the content visible? Yes, sir. So, dear students, yes, sir. Yesterday I have sent a link of one video. Good morning, sir. Yes, sir. Yesterday I have sent the link of one of the video. It was a television serial named with Samvidhan. Okay, and that television serial was made. Okay, the television serial was made according to the actual discussion, the actual process of constitution making. ठीक है, जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनते समय जो भी बातचीत हुई, जो डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन को बाकायदा लाइन बाय लाइन एज इट इज लिखा गया था उस समय 1946 से लेकर 1949 तक। तो वो जो बुक बनी हुई थी, उस बुक के बेस पर ये टेलीविजन सीरियल विच कंटेन्स 10 एपिसोड, जिसमें टोटल 10 एपिसोड हैं, 10 एपिसोड का वो संविधान सीरियल बनाया गया। सो आई हैव सेंड ओनली वन एपिसोड लिंक। ठीक है, बिकॉज दिस आई वुड लाइक टू लेट यू पीपल नो कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज डिबेटेड एंड डिस्कस ऑन द डिफरेंट इश्यूज विच नीड टू बी पुट इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस वीडियो को देखा है? अर्पिता गुजर, हैव यू सीन दैट वीडियो? यस सर। गुड। साची खेरे, वीडियो देखा था? अस्मिता, सॉरी आसमी? यस सर। हैव यू सीन द वीडियो? यस सर। आर्यन एंगलवार? आर्यन, हैव यू सीन दैट वीडियो?
चलिए तो दोज हु हैव नॉट सीन द वीडियो प्लीज वॉच दैट वीडियो, ठीक है। उसमें आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय किस प्रकार के डिस्कशन और डिबेट किए, ठीक। चलो, सो दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये जो मेंबर्स थे, है ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किया, दे हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। उनके सामने ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा काम शामिल था, फैला हुआ था। टास्क क्या था? द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर। एक अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम इतना बड़ा भारी क्यों था? उसका कारण क्या था? द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर। एक हिंदुस्तान जो है उसमें बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज थी। एक इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, उनके धर्म अलग अलग थे एंड दे हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, उनके कल्चर भी डिफरेंट थे। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग रिटन इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। जिस समय इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, कंसिडरेबल टर्मोइल, इंडिया में हालात बड़े खराब थे, बहुत परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा था। ये परेशानी क्यों थी? द पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिनेंट, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल। तो ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत हुई, उस समय पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई, उसी समय लगभग ये तय हो गया था कि कंट्री दो देशों में बंटने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान। अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स यानी राजा महाराजाओं को भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था, एंड इट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। और वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजा जो थे, उन्होंने इंडिया में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है, इसके बारे में डिसाइड नहीं किया। एक द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी उसकी सोशल कंडीशन भी खराब थी और इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब थी। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितने भी इश्यूज थे, मुद्दे जो थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के दिलो दिमाग में लगातार चल रहे थे, स्पेशली तब जब उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। दे रोज टू द ओकेजन, ऐसे कठिन समय पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और उन्होंने इंडिया को, यानी कंट्री को, एक बड़ा ही महान कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है, विच रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, जिसमें डाइवर्सिटी भी मेंटेन रही और नेशनल यूनिटी प्रिजर्व रही। द
The final document also reflect their concern for eradicating poverty through socio-economic reform, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. जो final document है ना, जो final constitution तैयार हुआ, उसमें उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि eradicating poverty, eradicating मतलब खत्म करना, मिटा देना. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया कि पावर्टी यानी गरीबी हिंदुस्तान में कैसे दूर की जाएगी. सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडिया में सोशल स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाएगा. एंड दे वर्क ऑन द क्रूशियल रोल द पब्लिक कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. पब्लिक जो है वो किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगी. ठीक, सो लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स पढ़ेंगे. ठीक, नाउ व्हाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द अबव मेंशन्ड कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन वेयर ग्रैपलिंग विद. ठीक है, सो लेट अस वर्क आउट विद फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म. ओम काले, गुड मॉर्निंग सर. सृष्टि शुक्ला, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. तन्मय गोखरे, शाविनी निरंजने, शाविनी निरंजने, इट मीन्स दैट शी इज नॉट ऑन द मोबाइल फोन राइट नाउ, है ना शाविनी? ठीक है, चलिए. सो व्हाट इज द फर्स्ट फीचर, है ना, हमारा फर्स्ट फीचर क्या होगा फेडरलिज्म? So what is the first feature of the Indian Constitution? The first feature of the Indian Constitution is federalism. Okay? Now what is the meaning of federalism? So this refers to the existence of more than one level of government in the country. Okay? So what is the meaning of federalism? फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? तन्मय रीड आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. ओके, सो सीधी सीधी लैंग्वेज में बड़ा सिंपल यदि बोले तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फेडरलिज्म में कोई एक कंट्री जहां पर कौन सा सिस्टम है, फेडरलिज्म का सिस्टम है. एक मिनट, तो जो भी कंट्री में, जिस कंट्री में भी फेडरलिज्म का सिस्टम होगा वहां पर. हाँ शामिनी निरंजने इज कॉलिंग. बेटा व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन टीचमेंट ऐप? नो बट यू डिडंट ट्राई टू स्पीक आउट ऑल्सो. योर ऑडियो इज नॉट वर्किंग, क्योंकि इफ योर वॉइस कुड बी स्टार्ट फ्रॉम योर लैपटॉप इट कुड बी रिफ्लेक्टेड हियर. वन मोर थिंग, द नंबर विद विच यू हैव ज्वाइंड, ओके, द स्पेलिंग
इन स्पेलिंग ऑफ शामिनी द एस इज स्मॉल ठीक है व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर द क्लास गो इनटू द प्रोफाइल सेक्शन एंड चेंज योर नेम ओके सो द स्पेलिंग ऑफ शामिनी एस शुड बी कैपिटल ठीक है थैंक यू If I found any student missing the class and not responding, समझ में आया? दिगेश, यदि मुझे जैसी समझ में आया कि कोई student respond नहीं कर रहा, I will directly call, समझे? तो गायब होने की जरूरत नहीं है, महक लाए? Yes sir. हाँ, कोई उठा, मैंने पकड़ा और पकड़ा तो सीधे फोन करूंगा पेरेंट्स को. So, what is federalism? Existence of more than one level of government in the country. यानि federalism में क्या होगा? Country में दो level of government होगी. Okay, now two level of government is what? So, if we discuss or we talk about India, so we have two level of government government at the state level and government at the center level theek hai central level that is central government the central government yani pure desh ke liye ek single government aur state government means country is divided into number of sub units each sub unit termed here as a state and each state has a separate government the central government has the power to control the entire country the state government has the power only to do administration within the state limit jo central government hai central government mein क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे कंट्री की गवर्नमेंट बनेगी और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ओनली स्टेट के लिए ठीक है देन यस सर इन इंडिया वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वन मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट मैक्सिमम जो फेडरल कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, जहां पर उन्होंने कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया फेडरलिज्म अडॉप्ट किया परंतु उन कंट्रीज में दे हैव ओनली टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एंटायर स्टेट इन इंडिया We have introduced one more level of government, and that is what Panchayati Raj. So, Panchayati Raj is the third tier of government. Panchayati Raj kya hai? It is the third tier of government. Okay. Third tier of the government. हाँ, third tier. So T I E R T level same है. यानी इंडिया में हमारे पास में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सो वी हैव हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट थ्री गवर्नमेंट थ्री सर वी हैव थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स ठीक है नाउ द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइड्ड That did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. Okay? So, India mein, shuru mein. Only two level of government. Okay, our country India has only two level of
गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए बाद में क्या किया गया, वन मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि उन छोटे छोटे एरियाज में ही क्या किया जा सके, वहां के गवर्नमेंट के लिए वर्कआउट किया जा सके। सो ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इश्यूज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट यानी दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब इंडिया में बनाई गई, तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या हो सकता है, विवाद या झगड़ा हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या हो सकता है, कुछ विवाद या झगड़ा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो उस पॉसिबिलिटी को, उस कंडीशन को रिमूव करने के लिए क्या किया गया, ठीक है, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यू दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन, यानी स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़े की, विवाद की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उस पॉसिबिलिटी को, उस कंडीशन को दूर करने के लिए क्या किया गया, ठीक है। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए क्या किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो अलग अलग लिस्ट बना दी कि इतने काम स्टेट गवर्नमेंट के हैं और इतने काम सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब काम सभी को क्या कर दिए, दोनों गवर्नमेंट को अलग अलग बांट दिए, काम दोनों गवर्नमेंट को क्या कर दिए, बांट दिए अलग 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 बांट दिए। तो जब अलग अलग बांट दिए, जब दोनों गवर्नमेंट, जब दोनों गवर्नमेंट को काम अलग अलग बांट दिए कि तुम्हारा इतना काम है और तुम्हारा इतना काम, तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर कर पाएगी और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर कर पाएगी, ठीक। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी लिखी हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कमाने का सोर्स क्या है, सो सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो दोनों के जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो भी क्लियरली किसमें लिखे हुए हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम भी क्लियरली किसमें लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके पास में इनकम यानी पैसा आएगा कहाँ से, तो पैसा कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम टैक्स, टैक्स को और क्या बोलते हैं, कंप्लीट करो, रेवेन्यू। सो रेवेन्यू, गुड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि कौन सी गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार के टैक्स लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार के टैक्सेस या रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, ठीक। तो स्टेट गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम अलग आ गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम अलग हो गया, ठीक।
under federalism, the states are not only the agent of the federal government, but they draw authority from the constitution as well. So federalism mein, in a federal system of government mein, state government jo hai, wo federal government yane central government ki gulam nahi hoti, balki state government ko बहुत सारी पावर्स कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है. एक ऑल पर्संस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट. और दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करती हैं? डिफरेंट लॉज बनाती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज बनाती हैं. ये जो लॉज और पॉलिसीज, ये सारे लॉज और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जितने भी लॉ और पॉलिसीज किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है, इनका पालन करना कंट्री के सिटीजंस की जिम्मेदारी, ठीक है. इज दैट क्लियर अप टू दिस सेक्शन? सुजल, स्विच ऑफ योर माइक, माइक बंद करो. नाउ सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज व्हाट? यदि नेक्स्ट फीचर देखें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट इज पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गौरी लाल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गौरी, गौरी, यस सर, यस सर, हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सर. सो द सेकंड फीचर इज व्हाट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट वी रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने बात करी, स्टेट लेवल दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज दैट इज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है. ये जो तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हु आर देयर? सो द गवर्नमेंट consist of representative, यानी ये जो तीनों form of government है, ये तीनों form of government बनाता कौन है? Who form these three form of government? ये तीनों form of government कौन बनाता है? So, इन तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे, और रिप्रेजेंटेटिव को किसने इलेक्ट किया? दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल. सो जस्ट अ मिनट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफराज फॉर ऑल सिटीजन. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इट गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफराज फॉर ऑल सिटीजन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, उन्होंने क्या किया? यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, यानी इंडिया के जितने भी, हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक हैं, उनको क्या मिला? वोटिंग राइट्स मिला. सो यूनिवर्सल
एडल्ट सफराज का मतलब क्या है? वोटिंग राइट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफराज? वोटिंग राइट. Voting rights. Voting rights. So the Constitution of India guarantees universal adult suffrage, means voting rights for all citizens. यानी देश के सारे नागरिकों के लिए हमने, यानी हमारे Constitution ने voting rights दिए. अब वोटिंग राइट्स दिए हैं का मतलब कि इंडिया के सारे लोगों को जो एलिजिबल है, सारे लोग का मतलब ये नहीं है कि गौरी लांडगे और प्रज्ञा भूमिया जो है अगले इलेक्शन में वोट डालने पहुंच जाएंगे. समझ में आया प्रज्ञा? यस सर. तो फिर वोट डालने कब जाएंगे? Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizen. तो all citizen का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे, या all citizen से मतलब जिनकी eligibility है. तो eligibility of voting rights is how much years? 18 years. When they were making the constitution, the members of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would encourage asme mic band kar liya karo beta bolne ke baad. So when they were making the constitution, the members of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and vex the clutches of ट्रेडिशनल कास्ट क्लासेस एंड जेंडर हायरार्की. जब हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय पर जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमारे देश की जो जनता है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्राज यानी वोटिंग राइट्स को एंजॉय करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है. और सभी लोगों को यदि हम एक समान रूप से वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करेंगे, देन इट वुड हेल्प एनकरेज डेमोक्रेटिक माइंडसेट. तो ये क्या करेगा? देश के लोगों के दिलो दिमाग में डेमोक्रेसी डेवलप करेगा. एंड इट ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट क्लास एंड जेंडर हायरार्की. और इस तरीके से जो आम जनता है उनके दिलो दिमाग में जो कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, जेंडर मतलब मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है, तो ये सारे झंझट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, इसका मतलब ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या हुआ कि इंडिया के जो लोग हैं वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं? डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन. ठीक है, और इसके जरिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के जरिए देश का हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वेदर द पर्सन इज फ्रॉम अपर कास्ट और लोअर कास्ट, किसी भी कास्ट का, किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति होगा, हर कास्ट और कम्युनिटी के व्यक्ति को जो है इलेक्शन लड़ने की पूरी पूरी आजादी.
these representatives are accountable to the people. ये जो representatives हम elect करते हैं, है ना? They are accountable to the people. So representatives are accountable to the people का मतलब क्या हुआ? ये जो representatives हैं, ये देश की जनता के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे. These people will work in favor of the people of the country. You will read more about why representation is crucial to democratic society. So the next section, Pragya Bhumiya, is my voice coming properly? Yes, sir, clearly. Okay. But sir, is cutting and vendors here. Who is facing the problem? Sir, I. Are who is I? Sir, Vani. Vani, actually the thing is that it depends on the net connectivity from both the side. Okay, so if any other student is able to listen my voice properly, it means the net connectivity from my side and from that student sides are okay. So sometimes it may be the issue from your net connectivity. Hai na beta? Now okay sir. To fluctuate hota rehta hai. Chaliye. So next section is what? What is the third feature of democracy? Separation of power. Good. Sonu Tiwari, good morning. Good morning, sir. Sonu Tiwari. Good morning, sir. Switch on your video first. Video on. Good morning, Sonu. Or the video should be on. So next is separation of powers. Yes, Sonu. Turn your face little bit. It is still image ho gaya. Sonu Tiwari, switch on your video. Now, so the third feature of our constitution is separation of power. What does it mean? So according to the constitution, there are three organs of government. Okay. Samiksha Rajurkar. Yes, sir. Switch on your video. So according to the constitution, there are three organs of government. So हमारे constitution में government के कितने organs setup किए गए? That is how many organs three. Of government have set up? Three. Now, what is the meaning of organs of the government? ठीक है? Organs of the government का meaning क्या होता है? ठीक है? So for that I will show you a small video. Then we will. Okay, sir. Just a minute. Okay, sir. Shh. Okay, sir. Just a minute. I want to find out a very small video so that there won't be much time.
The Indian government has derived its functioning from three basic institutions, namely legislature, executive, and judiciary. These institutions are involved. Okay. Now, these three basic institutions, what is? Legislative, executive. Legislature, executive, and judiciary. Now, no one else should speak again. Decision and policies passed by the government. Legislature involves the parliament, an assembly of elected representatives that exercises supreme political authority on behalf of people. No decision can be taken without the absolute support. Yes, beta. Yes. What is the issue? Abhi kaun bola tha? Arey. Who speaks out? Hello? Abhi kaun bola tha ye? Yes. Is my voice audible? Asin? Yes, sir. Yes, sir, audible. Okay. So the time is over, students. The next class is about to begin. Yes, sir, audible. We'll see that video and tomorrow. Thank you, sir. Yes, sir.